काम ट्रांसफर ऑफ टाइटल। टाइटल का मतलब क्या होता है? ओनरशिप। ओनरशिप जिसकी है वही तो ट्रांसफर कर पाएगा। अगर किसी के पास ओनरशिप है ही नहीं तो क्या वो ट्रांसफर कर पाएगा? क्या अनिल अंबानी की गाड़ी तुम बेच सकते हो? नहीं बेच सकते ना। क्यों? क्योंकि भाई ओनर कौन है? अनिल अंबानी। तो तुम कैसे गाड़ी बेच दोगे उसकी? इसका मतलब ये कि जिस पर्सन के पास बेचने का राइट है वही तो बेचेगा। यानी ट्रांसफर ऑफ टाइटल की बात करें, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इसका मतलब टाइटल क्या? ओनरशिप। एक रूल है, प्रिंसिपल है, नेमो डैट कोड नॉन हिबिट। और कई बार ये हमारे सीबीटी एग्जाम में आया है। इसका मीनिंग, नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। एक थीफ है, इसने मिस्टर बी की कार जो है वो चोरी की और इस कार को मिस्टर सी को बेच दिया। अब ये बताइए, क्या सी अगर ए को इसके 2 लाख रुपए दे भी दे सेल के लिए, तो क्या हमारा सी इस कार का ओनर बन जाएगा? क्या सी जो है इस कार का ओनर बन सकता है या नहीं? देखिए, सबसे पहली बात यह कि टाइटल है किसके पास? बी के पास। ए इज अ नॉन ओनर, ही इज नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स। इसका मतलब इसके पास ओनरशिप नहीं है तो बेचने का राइट भी नहीं है। इसके पास खुद ही टाइटल नहीं है तो क्या ये बेटर टाइटल सी को दे सकता है? ठीक बात है कि नहीं? तो इसका टाइटल जितना है ये उससे बेटर टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता, राइट? सो नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। अब इसके पास ही बेटर टाइटल नहीं है तो सी को ट्रांसफर क्या करेगा? इसका मतलब ये कि अगर बी को मालूम चला कि मेरी कार किसके पास है? सी के पास, तो मिस्टर बी अपनी ये कार सी से रिकवर कर सकते हैं। बी बीइंग द ओनर ऑफ द गुड्स, बीइंग ओनर ऑफ गुड्स कैन रिकवर गुड्स सॉरी कार फ्रॉम सी। बीइंग ओनर ऑफ कार, सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे मिस्टर सी को अब करना क्या पड़ेगा? अपना पैसा किससे रिकवर करना पड़ेगा? ए से। इज इट क्लियर और नॉट? जरा इसे जल्दी नोट करिए।
एच लेट्स प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर वन. पुरानी बुक में ये डैट डॉट लिखा है, तो डी ओ टी नहीं है, ये डी ए टी है. ओल्ड बुक में नेमो डैट कर लीजिएगा, डी ए टी. एच लेट्स प्रैक्टिस लैटिन मैक्सिम नेमो डैट कोड नॉन हैबिट मींस सी नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट. जो उसके पास नहीं है वो दे भी नहीं सकता. क्वेश्चन नंबर टू, इन केस ऑफ सेल द बायर कैन पास अ बेटर टाइटल टू अ बोनाफाइड परचेजर. आंसर है इसका ए. अब ये सारा का सारा जो टॉपिक है अल्टीमेटली डिपेंडेंट पता है किस पर है, कि कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पर नॉन ओनर होने के बावजूद एक पर्सन जो है वो बेटर टाइटल ट्रांसफर कर पाएगा. हमारा जनरल रूल क्या है कि भैया ये तो नॉन ओनर है, इसके पास तो खुद ही टाइटल नहीं है, तो ये ट्रांसफर कैसे करेगा. हमें अब इसकी एक्सेप्शंस पढ़नी है, जहां पर ये नॉन ओनर होने के बावजूद, ओनर ना होने के बावजूद भी बेटर टाइटल ट्रांसफर कर पाएगा. इज इट क्लियर. तो हमें अब करनी है इस पूरे के पूरे रूल्स की, रूल की एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस टू द रूल. एक बात बताइए, हमारे मर्केंटाइल एजेंट जो होते हैं, बिजनेस जो एजेंट होते हैं, उनका क्या काम होता है. बिजनेस एजेंट जो मर्केंटाइल एजेंट है, कंसाइनी जिसे हम बनाते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट आपने पढ़े हुए हैं, कंसाइनर जब अपना कंसाइनी अपॉइंट करता है किसी को, तो कंसाइनी बनाने का पर्पस क्या है, ताकि जहां पर कंसाइनर की रीच नहीं है, प्रिंसिपल की रीच नहीं है, वहां पर वो कंसाइनी यानी उसका मर्केंटाइल एजेंट जो है वो गुड्स को बेचे. अब अगर गुड्स को बेचना है तो भाई ओनरशिप भी चाहिए, हाँ या ना. मुझे जरा याद दिलाइए कि कंसाइनमेंट अकाउंट्स में जब कंसाइनर अपनी गुड्स कंसाइनी को भेजता है तो एक जर्नल एंट्री पास होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. ऐसी एंट्री होती है कि नहीं. और इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए जब गुड्स पहुंच जाती हैं, रिसीव कर लेता है कंसाइनी, तो क्या वो कोई रिसीव करने की एंट्री पास करता है. कोई एंट्री पास नहीं होती. क्यों नहीं होती, वो एंट्री इसलिए पास नहीं होती क्योंकि रिसीवर की गुड्स पर ओनरशिप नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक बेली है, इसीलिए उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं की जाती. इज इट वेरी क्लियर. इसका मतलब यह कि जब हम बात करेंगे सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट की, मर्केंटाइल एजेंट की, तो इस मर्केंटाइल एजेंट के पास जो कि फिलहाल एक नॉन ओनर है, क्या ये अपने प्रिंसिपल की गुड्स बेच सकता है. देखा जाए तो इन गुड्स का ओनर कौन है, प्रिंसिपल. मर्केंटाइल एजेंट ओनर ना होने के बावजूद भी जो ये गुड्स उसने रिसीव की, इन गुड्स की सेल कर सकता है. मान लीजिए कि इसने मिस्टर एक्स को सेल कर दी. अब एक्स ने इन गुड्स के बदले में मर्केंटाइल एजेंट को पेमेंट भी कर दी. मान लीजिए 2 लाख रुपए की गुड्स थी, गुड्स आ गई मिस्टर एक्स के पास,
पेमेंट चली गई मिस्टर एजेंट के पास। अब सवाल ये आता है भाई, मर्केंटाइल एजेंट तो ओनर था ही नहीं, ओनर कौन था? प्रिंसिपल। तो जब मर्केंटाइल एजेंट के पास ओनरशिप है ही नहीं, तो क्या वो बेटर टाइटल ट्रांसफर कर पाएगा? वो तो ओनर है ही नहीं, कैसे ट्रांसफर कर सकता है? यहां पर हम कहेंगे भाई, मर्केंटाइल एजेंट अगर ऐसा काम करे तो नॉन ओनर होने के बावजूद भी, ओनर ना होने के बावजूद भी ये बेटर टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। रीजन क्या है उसका? उसका रीजन ये कि प्रिंसिपल ने इस काम को करने की अथॉरिटी दी है। अगर ये उस अथॉरिटी के अंदर रहकर, अथॉरिटी के अकॉर्डिंगली काम करता है तो ये वैलिड माना जाएगा। यानी अगर ये सेल विद इन अथॉरिटी है तो मिस्टर एजेंट, अगर ये ओनर नहीं भी है तब भी ये वैलिड प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर पाएंगे। नंबर टू, शर्त क्या है? सेल शुड बी इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट पॉइंट, एजेंट शुड हैव पोजेशन ऑफ गुड्स। अगर उसके हाथ में गुड्स हैं तो वो ऐसे गुड्स को बेच पाएगा, या तो फिजिकली गुड्स उसके हाथ में हो या फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल उसके हाथ में हो। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब क्या है जानते हैं ना? लॉरी रिसीट, बिल ऑफ लेडिंग और एयरवे बिल, रेलवे रिसीट। अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है तो उसके थ्रू भी बेची जा सकती है, क्योंकि प्रिंसिपल ने इसे ऑथराइज किया, बेचने का राइट दिया और ये अपनी अथॉरिटी में रहकर उसे बेचता है, गुड्स इसके कंट्रोल में है, तभी ये सेल वैलिड मानी जाएगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस मिस्टर एक्स जो नया बायर है, इसे ये मालूम नहीं होना चाहिए कि मिस्टर एजेंट जो है ये असली ओनर नहीं है, राइट? ऐसे केस में क्या प्रज्यूम किया जाता है? आपने कंडीशन एज टू टाइटल पढ़ी थी या नहीं? कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब क्या होता है? खरीदने वाला ये प्रज्यूम करता है कि बेचने वाले के पास बेचने का राइट है, सेल करते वक्त बेचने का राइट है और एग्रीमेंट टू सेल में बेचने का राइट होगा, राइट? तो ऐसे केस में हमारे पास अगर ये सब बातें कवर्ड हैं, इसका मतलब ये सेल बिल्कुल वैलिड मानी जाएगी, भले मिस्टर एजेंट हमारे नॉन ओनर थे। इज इट वेरी क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट को अगर हमने अच्छी तरह कर लिया तो आने वाले सारे पॉइंट्स में ये तीन चार पॉइंट्स कॉमन है। सो पॉइंट नंबर वन हमें अच्छी तरह करना है, जरा ध्यान से पढ़िएगा इसे। चलिए पेज नंबर 183, पॉइंट नंबर वन, सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। लिखा है ना, सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट, द एजेंट कैन पास अ गुड टाइटल टू द बायर इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। नंबर वन, द सेलर मस्ट बी इन द पोजेशन ऑफ आइदर गुड्स और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स विद द कंसेंट ऑफ ओनर। ओनर कौन है? प्रिंसिपल। सेलर कौन है इन गुड्स का? एजेंट।
तो इसके पास या तो गुड्स है या फिर क्या है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. इज इट क्लियर? सेकेंड पॉइंट, सेल वॉज मेड बाय हिम इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस, यानी जिस काम के लिए इसे अपॉइंट किया, जैसे हमारे एग्जाम्पल में कंसाइनी, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इसने बेचा है. ऐसा नहीं कि वंस इन अ वाइल बेच रहा है, रेगुलरली इसे वही काम करना पड़ेगा. सो इट हैज बीन डन इन अ रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस, राइट? तो आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं, सेल मेड इन रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. पॉइंट नंबर फोर, ये सेल कैसी है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में. राइट? चलिए आगे चलें. द बायर मस्ट हैव एक्टेड इन गुड फेथ, यानी ये जो सेल की गई है गुड फेथ में की गई है, बायर ने खरीदी है गुड फेथ में. पॉइंट नंबर फोर, द बायर मस्ट हैव नो नोटिस ऑफ द फैक्ट दैट द सेलर हैज नो अथॉरिटी टू सेल द गुड्स. नो अथॉरिटी की जगह द सेलर हैज नो ओनरशिप टू सेल द गुड्स. तो ओनरशिप एक अथॉरिटी लगभग एक जैसी बातें हैं, बट अथॉरिटी क्योंकि यहां से दी जाती है, आप यहां पर वर्ड लिखिए नो ओनरशिप. दो दोस्तों ने एक बार बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी और उसकी वैल्यू थी 50 लाख रुपए. 50 लाख रुपए का लैंड परचेज किया, 25-25 लाख रुपए दोनों ने कंट्रीब्यूट कर दिए. अब ये बताइए कि इस प्रॉपर्टी के ओनर कौन हुए? मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों दोस्त हैं, दोनों ही इसके ओनर बन गए, कहलाएंगे ये को ओनर. कौन कहलाएंगे? को ओनर. अगर ये लोग को ओनर हैं, एक ही प्रॉपर्टी के ओनर हैं, और मिस्टर ए ने बी से कहा कि मिस्टर बी आप एक काम करो, हमने 50 लाख में प्रॉपर्टी खरीद तो ली, आधे पैसे आपके हैं और आधे मेरे, आप एक काम करो इसका पोजेशन फिलहाल आप ही रखो और कोई नया बायर ढूंढो, सारे के सारे लैंड का पोजेशन आप ही रखिए और एक नया बायर ढूंढिए ताकि हमें इसका फायदा हो सके, कोशिश करो कि 80 और 90 लाख के आसपास बिक जाए. इसका मतलब ए ने इस लैंड को बेचने का पूरा पूरा राइट, अपने हिस्से को बेचने का पूरा पूरा राइट किसको दे दिया? बी को दे दिया. अब जो हिस्सा इस लैंड में ए की ओनरशिप में था, इसका पोजेशन किसका है, किसके हाथ में है? ओनरशिप तो दोनों की है लेकिन इसका पोजेशन किसको दे दिया गया? मिस्टर बी. कौन है इस वक्त इस लैंड के सोल पोजेशन में? बी. द जॉइंट ओनर मस्ट बी इन द सोल पोजेशन ऑफ द गुड्स विद द परमिशन ऑफ, विद द परमिशन ऑफ को इनसर्कल कर लीजिए, विद द परमिशन ऑफ अदर को ओनर्स, यानी उसके पास बेचने की अथॉरिटी है. द बायर मस्ट हैव बॉट द गुड्स इन गुड फेथ, ये पॉइंट हमारा इससे पहले पॉइंट में भी था. The buyer must have no notice of the fact that the seller has no ownership to sell the goods. Right? इसका मतलब क्या हुआ? Again, वही दो points जो आपने ऊपर पढ़े थे. Is it very clear to everybody? तो इन दोनों ही cases में हमारे non-owner ने sale की और sale भी valid मानी जाएगी. अब जरा सोचिए, हमने इतने पुराने एग्जाम्पल्स करे, जब एक सेलर ने बायर को गुड्स बेच दी, बायर ने गुड्स खरीदी लेकिन पोजेशन किसके पास रहने दिया? सेलर के पास. और क्या कहा? कि मैं आपसे 2 दिन बाद ले जाऊंगा. ऐसा हमने एग्जाम्पल किया था कि नहीं? और इस बीच
सेलर के पास एक नया बायर आ जाता है और सेलर क्या सोचता है कि यार मेरे पास तो सिर्फ यही गुड्स पड़ी हैं जो ऑलरेडी मैं बी को बेच चुका हूं।